हे एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अरबी के पत्ते ही हैं। इस समय ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इसको मैंने अपने टेरेस पे लगा रखा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। ये रिच होता है विटामिन ए सी और बी कॉम्प्लेक्स में, साथ ही ढेर सारे मिनरल्स के साथ। अब हम इससे बनाएंगे कुछ हेल्दी और चटपटा सा और जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात जो हमें इसे खाने से पहले पता होनी चाहिए। ऐसे ही काम की और इंटरेस्टिंग बातें आगे हम वीडियो में करेंगे। साथ ही रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए कुछ बेसिक मसाले अदरक लहसुन हरी मिर्च और साथ ही जीरा धनिया काली मिर्च बड़ी इलायची छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, साथ ही दो सूखी मिर्च हम ले लेंगे, ज़्यादा तीखा पसंद है तो। अब इन मसालों को हमने पीस लिया है, आप चाहे मिक्सी में पीसें, मैंने इसको सील बट्टे पे पीसा है। अब इन अरवी के पत्तों को धो करके हमें इसे साफ सूखे कपड़े से सुखा लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद ये जो नसें होती हैं, इनके वेंस जैसे पोर्शन, इनको कट करना, पतली वाले नहीं मोटे वाले, चाकू की सहायता से हम कुछ इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इसको निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये गले में खराश करती है, खुजली होती है, तो इस तरह इसको निकाल लें। चाकू की सहायता से ये बड़े आराम से निकल जाती हैं और ये देखिए धागे की तरह भी आप इनको इस तरह से निकालेंगे तो निकल जाएंगी। और कभी कभी इनकी नसें मोटी होती हैं तो इसको हम थोड़ा बेलन चला करके पतला कर सकते हैं, जिससे रोल करते समय हमें आसानी होगी। चलिए इसका बैटर बनाते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े कप बेसन लिया है, साथ दो बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। इसको डालने से थोड़ा कुरकुरा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने जो मसालों के पेस्ट बनाए थे वो हम ऐड कर देंगे। साथ ही जाएगा इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और उतना ही अजवाइन, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हींग, हींग यहाँ पर डालना कंपल्सरी है क्योंकि इससे ही अच्छा टेस्ट आता है। ये जम गई थी तो मैंने इसको पानी में डाल के फुला लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपका खटाई। मैंने इमली के पल्प को पानी में फुला लिया था और इसको डाल देंगे हम पानी इसका। फिर जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इन सबको डाल करके हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को मैंने चना दाल के साथ भी बनाया है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर भी डाला है। खटाई डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इस तरह से फाइनल इसका घोल तैयार हो गया। अब बारी आती है इनको पत्तों पे लपेटने की। तो पत्ते को हमको इस तरह से असेंबल करना है कि इसका जो है सिल्की वाला पोर्शन जो है नीचे रहेगा। इस तरह एक पे हम घोल को लगा लेंगे और अरेंज कर लेंगे। इसका टॉप और बॉटम को अल्टरनेट करके चेंज करते जाना है, जिससे इसकी थिकनेस सब जगह एक जैसी रहेगी। सारे पत्ते इस तरह 8-10 पत्ते पे हमको ऐसे कोटिंग कर लेनी है, लेयर बन जाएगा। अब इसको हमको रोल कर लेना है। रोल करते समय थोड़ा हाथ में आपके बैटर लग सकता है, तो कोई बात नहीं क्योंकि टेस्ट हमें इंजॉय करनी है ना। तो इस तरह हमारा एक रोल बन गया। इस तरह जितना भी मैंने बैटर तैयार किया था उससे हमारे 2 रोल बन गए। तो ये रोल करने वाला प्रोसेस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये दोनों फोल्ड कर लेना है साइड से और फिर इसको धीरे धीरे करके हमको रोल बना लेना है। रोल करते समय प्रोसेस को आप रिपीट करके देख लें इसको आराम से कैसे रोल बनाना है। इस तरह हमारे रोल रेडी हो गए। बारी आती है इनको पकाने की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 गिलास के करीब पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरीके से पानी बॉयल हो गया तो इस रोल को हमको इसमें डाल देना है। पकते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गया। अब हम ढक्कन खोल करके चाकू से चेक करेंगे। चाकू क्लियर है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। देखिए कितने आराम से कट हो रहा है। यहाँ हम पहले इसके स्लाइस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इनके पत्तों को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसमें पकाते समय हम अच्छा अमाउंट में खटाई डालते हैं, जिससे हमारे ये गले में खराश नहीं करते हैं। तो कभी भी इसके पत्तों को कच्चा ना खाएं। तो यहाँ देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ाया पैन, डाला तेल उसमें, थोड़ा जीरा और करी पत्ता डाल करके इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अलट पलट करके जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे
तो हम इनको बाहर निकालेंगे। इसको एज ए स्नैक्स या फिर खाने पे आप इंजॉय कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इनका टेस्ट मुझे एक दिन पुराने होने पे ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी मैं करी वाली सब्जी भी बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।